आज हम इस वीडियो में बनाएंगे कढ़ी की सब्ज़ी। कढ़ी की सब्ज़ी के लिए हमने मसाला अक्खा निकाल लिया है, दो लहसुन, एक छोटा अदरक जिसको मैंने टुकड़े में काट लिया और तीन लाल मिर्च। मैंने सारे मसालों का पेस्ट बना लिया है। कढ़ी बनाने के लिए मैंने उसका मसाला तैयार कर लिया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। फिर एक बाउल में एक चम्मच दही और एक चम्मच जो मैंने मसाला रेडी किया है पकौड़ों के लिए वो मिक्स करके पानी में। अब हम कढ़ी का मसाला रेडी करेंगे। एक कढ़ाई में तीन चम्मच तेल डालें, उसमें एक चुटकी मेथी डालें फ़ौरन के लिए, और फिर इसमें मसाला जो ने मेरे पेस्ट बनाए थे वो डाल के अच्छे से भून लें। इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक पकाएं जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। फिर इसमें मैंने जो पेस्ट रेडी किया था वो ऐड करें और अच्छे से पकाएं। इसको अच्छे से भून लें जब तक इसका पूरा स्मेल ना चला जाए। मसाला अब रेडी हो गया है। अब इसमें हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से बॉईल पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बॉईल के बाद इसमें नमक ऐड करिए 2 चम्मच। अब इसका कैप लगा करके इसको बॉईल होने दें 10 मिनट के लिए। कढ़ी के लिए पकौड़े रेडी कर लेंगे। तेल में मैंने जो पेस्ट बना के रखा था पकौड़े के वो डाले छोटे छोटे और अच्छे से फ्राई कर ले। ज़्यादा रेड ना करें, लाइट ब्राउन में इसको निकाल ले। हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड में अब निकाल के रख ले एक प्लेट में। ये सालन रेडी किया था उसमें इसको मिक्स कर दें, फिर हमारा बनके रेडी हो जाएगा कढ़ी। कढ़ी अब रेडी है।